से जूनियर के ऑडिशन के लिए अब आप अपने बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं, या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशन 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशन 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशन 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशन 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर। बाकी अंकल हम आपको सब कुछ सच बताते हैं। वो बेटा तोता हमें सब है पता। अरे तुम तो पेमेंट लेने गए थे ना। अच्छा हो गया हमारी नींद टूटी, तुमसे मुलाकात जो हो गई। अरे नहीं नहीं बात बस सब ठीक है बेटा, पैर पड़ो, आशीर्वाद लो। अरे लेकिन भैया आशीर्वाद दीजिए। हाँ लेकिन आशीर्वाद दो, खुश रहो। अच्छा सब ठीक है, सब ठीक है। अरे लेकिन रात हो गई है बेटा, जाके सो जाओ। है रात हुई, बहुत रात हो गई। अच्छा हम जरा टहल के आते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? चाचा जी इतनी रात गए आप इस इलाके में कैसे घूम सकते हैं? क्यों? अरे इस इलाके में ना बहुत खतरनाक खतरनाक भेड़िए भेड़िए हाँ भेड़िए घूमते हैं। अच्छा तुम कैसे जाओगे फिर? हम हमें तो वो पहचानते हैं, जान पहचान है उनसे। हाँ आपको नया देख के ना लपक लेंगे। ओ, ओ, हम तो सोने चलते हैं। अरे रास्ता तो भाई जाओ जाओ जाओ। कुल्लड़ सुबह संभाल लेना बेटा। सारी तैयारी हो गई, पूरी क्लियर हो चुका है सब। तैयारी हो गई? अरे क्या बैंक लूटने जाना है जो इतनी तैयारी और प्लानिंग करनी है? चलो चलो। अरे रुको रुको बोलो। देखो तुम्हारी हमारी है ना तो हम ही जाएंगे। आप लोग रुकिए ठीक है, हम जाते हैं बात करने। तुम क्यों जाओगे? तुम जाओगे और अपना बैंड बजा के वापस आ जाओगे। नहीं हम साथ चलेंगे, चलो सब। अब देखो तोता चाचा जी क्या कह रहे हैं। चाचा जी कुल्लड़ वो क्या है ना IAS लेवल की प्रॉब्लम है, तो चाचा जी चाहते हैं कि हम तीनों चलते हैं साथ में, बात कर लेंगे तो कर लेंगे। ठीक है हम ही त्याग कर देते हैं, चलो। एक मिनट यार, तू तैयार तुमसे क्या छुपाना, जो तुम्हारी है जो हमारी है वो ना जब तुम सामने होते हो ना तो हमें लाइन नहीं देती यार। जी तोताराम यू वॉच हेयर मी एंड चाचा गो हेयर। ओके ओके चाचा जी आप चलिए। नहीं नहीं तोता तुम ही चलो ना, हमें कुछ सोचना है। सोच रहे चलिए चाचा जी, आइए आइए आइए। तुम्हारी से सिर्फ हम बात करेंगे। हाँ हाँ हैं हाँ। आपकी होने वाली बहू है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारी कम ऑन, क्या काम है? प्लीज कम ऑन। ओहो तुम इधर आके बताओ क्या काम है। जस्ट मिनट कम ऑन। बताओ क्या काम है। देखो तुम्हारी बात ये है, दरअसल क्या हुआ है कि पोशाक जो है वो किसी छुट्टन नाम के आदमी के पास चली गई। हमसे नहीं होगा, हम ऐसे बिना शादी के किसी की बीवी नहीं बन सकते। देखो तुम्हारी बात ये है कि तुम्हें सही में बीवी थोड़ी बनना है। बताइए बीवी बनने की एक्टिंग करनी है, समझ रही हो ना बात को? नहीं हम तो एक्टिंग करते रह जाएंगे, और अगर उसने सच में हमें बीवी मान लिया तो हम नहीं कर रहे किसी को फोन। चाचा जी आई एम सॉरी, आप ही समझाइए। लेट मी तुम्हारी समस्या समझो हमारी। जब तक तुम हमारी समस्या नहीं समझोगी हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारी कुछ समझ में आया? तुम्हारी नहीं बताइए। लेकिन समझने में टाइम बर्बाद करने से अच्छा हम छुट्टन को फोन कर ही देते हैं, ताकि हमारी जान छूटे और हम दुकान में जाके जलेबियां बनाएं। ला दो फोन। अरे यहाँ जवानी बीती जा रही है टिकट लगा के, और तुम गुलाब के फूल नहीं ढूंढ पा रहे हो। देखो भाई हमारी होने वाली मिसिज ने कहा है कि सेज पर गुलाब के फूल ही चाहिए, तो गुलाब के फूल ही चाहिए ना। अरे हाँ हाँ रखो हम बाद में बात करते हैं, देखो किसी का सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ रखिए रखिए। हेलो मैं बोल रही हूँ। बोल तो हम भी रहे हैं, आप कौन बोल रही हो? मैं तुम्हारी हूँ, अब तक कुंवारी हूँ।
चाचा हमारी है। आपने कैसे फोन किया? याद आ रही थी। हाय, आपके इंतजार में तो जवानी बीती जा रही है, टिकट लगा के आदेश कीजिए ना। वो हम चाहते हैं कि आप ना सूट पहन कर आए। सूट? सूट तो हमने सिलवाया नहीं। देखिए, आपने जो हमें पोशाक पहनने के लिए कहा था वही तो हम शादी में पहनने वाले हैं ना। नहीं, अब हमारा ना इरादा बदल गया है। अगर आप सूट पहनकर बारात लेकर नहीं आए तो हम ना पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे। नहीं नहीं लाजवंती जी, हमारी जवानी बीती जा रही है टिकट लगा के, अब हमें दूसरी कहां से मिलेगी। हम सूट पहनकर ही आएंगे शादी में। ठीक है, लो हो गया, मान गए हमारे होने वाले पति। तुम्हारे होने वाले पति नहीं, उनको सिर्फ पोशाक देना है। अरे होने वाले पति तो हम हैं, तुम्हारी। मैं तुम्हारी हूँ, अब तक कुंवारी हूँ। यार तोता, क्या हुआ क्या हुआ? आलम वो मान गया, उसने बात कर ली उससे। तो एक सूट का इंतजाम करना पड़ेगा बस। उड़ गए तोते। अरे हम सूट कहाँ से लाएंगे, दो घंटे में कौन सूट सील कर देगा? अरे सिलवाने की क्या जरूरत है, अपने आईएस जीजा जी है ना, उनका सूट दे देंगे। देखो हम एक काम करते हैं, बांके भैया को रोकने का इंतजाम करते हैं, तब तक तुम दोनों जाओ और दामाद जी से सूट निकलवाओ, क्योंकि बांके भैया अगर बस स्टैंड चले गए तो हमारी अर्थी निकल जाएगी। सरप्राइज सोचते। उड़ गए तोते। क्या हुआ? अरे यार कुल्लड़ जीजा जी ऐसे आराम से थोड़ी ना सूट दे देंगे यार। अरे गुरु हमें कुल्लड़ मचा देंगे, उल्लड़ हम तो हैं। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। प्रणाम पप्पा जी। खुश रहो बाके। बढ़िया भाई। भौजी खुश रहो। भाई साहब जीते रहो बाके, है ना, आराम से जाना, सब बढ़िया से। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब। अरे खुश रहो। भौरिया ये नहीं, ये एक बच्चे के लिए। अरे भौरिया रखो, ये दूसरे के लिए। और बेटा, अरे रखो बेटा, जो मर्जी में चाहे खरीद के खा लेना। अच्छा, हमें लगा हमको दे रहे हो। अरे भाई साहब। अच्छा। आप लोग शादी में जरूर आइएगा। हाँ हाँ देवर जी, हम तो चार दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। कहा है कि देवरानी का हाथ भी तो बटाना है काम में। अरे भाई ये परमा कहाँ रह गया, अभी तक टिकट लेकर नहीं आया। वही हम भी नहीं समझ। आ गई टिकट। अरे वाह वाह, अच्छा हो गया, चलो चलते फटाफट बस स्टैंड। नहीं अभी से जाके क्या करेंगे, 6-7 घंटे हैं, कहाँ गर्मी में सड़ेंगे, कहाँ बैठेंगे। कैसी बात कर रहे हो भाई तुम, आधे घंटे बाद बस का टाइम है और तुम कह रहे हो कि 6-7 घंटे। सरप्राइज, हम तो शाम की बस की टिकट लाए हैं। हाय गजब, रेडियो पापा, सुबह की बस की टिकट लानी थी ना। अरे पूरी की पूरी बस खचाखच भरी थी, लोग ही लोग, लोग ही लोग, अंदर लोग, ऊपर लोग, छत पे लोग, उनके ऊपर सामान। तिवारी सदन का मेहमान ऐसा बस में लटकता हुआ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, नाक कट जाएगी। एकदम सही चाचा जी, कई बार ना बबूल का झाड़ खिड़की के इतने पास आ जाता है कि नाक भी कट सकती है और हाथ पर भी छिल सकते हैं। तितली कैसी बिना बेसन के भजिया जैसी बात कर रही हो है? अरे तिवारी सदन की नाक कट जाएगी, तिवारी सदन की का कहते हैं? हम क्या कहें, आप कह रहे हैं तो एकदम ठीक कह रहे हैं। वैसे परमा भी बाकी एकदम ठीक कह रहा है, शाम वाली बस में जब जाओगे तो आराम से बैठ के जाओगे। नहीं अभी जाते लटकते छिलते तुम जाते, ठीक थोड़ी ना होता। हाँ भाई साहब अब बात तो सही है, वैसे भी लटक के जाने में हमें तब से डर लगता है जब से फूफा जी चलती बस की छत पे से गिरे थे। परशुराम, ये बाके जब जाना है तब जाए, लेकिन हम अभी जा रहे हैं प्रयागपुर। हाँ ठीक है फूफा जी। क्या देखते हैं आप कैसे जाते हैं, हम आपको रोक के रहेंगे। हम नहीं रुकेंगे। अरे हम रोकेंगे फूफा जी। फूफा जी, हे भगवान, पता नहीं तोताराम से काम हुआ होगा या नहीं। प्लीज नहीं, हम सूट नहीं देंगे, आईएस लेवल का सूट है वो।
अरे जीजा जी, आप सूट नहीं देंगे तो हमारी खानदान पोशाक नहीं मिलेगी, दे दीजिए ना प्लीज। अरे साले साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, हम जो है ना पहले से सोच रखे हैं, तो पहले दिन जब हम कलेक्ट्रेट का ऑफिस जाएंगे ना, तो वो सूट और वो टाई पहन के जाएंगे, लेकिन वो जो टाई है नीले रंग की मैचिंग वाली, वो जो है बिचौलीगंज की बिमला की बकरी खा गई, हम सूट नहीं देंगे। अब सूट नहीं दे रहे, हम तो कहते हैं अंदर चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं। अरे यार, तुम काहे को हमेशा भरी हुई तोप के सामने खड़े होने का आइडिया देते हो। हाँ यार, लेकिन कुल्हड़ कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें कुल्हड़ मचा देंगे हुल्लड़ गुरु। जीजा जी, ऐसे होइए थोड़ा ऐसे। हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए। अब देखिए आप अच्छे नहीं लगेंगे। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जीजा जी, आप तो दुनिया भर के आईएएस को जानते हैं। वो तो है। अब बताइए, आप कभी आपने ऐसे आईएएस को देखा है जो सूट पहने हो और टाई ना पहनो? नहीं देखा ना? आप अच्छे नहीं लगेंगे, हम कह रहे हैं, पूछ लीजिए। लेकिन हम बगैर टाई के सूट क्यों पहनेंगे भाई? लेकिन टाई कहाँ से आएगी जीजा जी, बताइए, वो तो बकरी खा गई। हाँ बकरी। और दामाद जी, टाई के बिना तो सूट बेकार है ना, और बेकार की चीज देने से खानदान की इज्जत बचती है, तो बचा लेनी चाहिए। और जीजा जी, पूरे तिवारी खानदान के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इधर जीजा जी, दे दीजिए ना। हाँ। अरे आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। देखो, सत्यवादी तोताराम ने भी कह दिया आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बताइए। अरे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो। बस साले साहब बस, हम समझ गए, अब ये सूट हम जरूर देंगे। हाँ, क्योंकि खानदान की इज्जत का सवाल है, हम सूट जरूर देंगे। और सुनो कुल्लर, मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखवाना। हाँ, एक कुल्लर ऑर्डर कर दें। हाँ देखिए, गलत कर रहे हैं आप। एक गलती छुपाने के लिए कितनी और गलतियां कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप। झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। बेटा देखो, माफ कर दो, इस बार हमारी गर्दन बच जाने दो, अगली बार हम पुण्य भी करेंगे और इस पाप का प्रायश्चित भी कर लेंगे। देखो हमारी गर्दन कट गई तो बड़ा बुरा हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, भाई बहन है तुम्हारे। अरे भाई तुम एक काम कर लो, शादी तुम कर लो, अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ। अरे जवानी बीती जा रही है टिकट लगा के, तुम एक सूट का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? हैं? सूट का इंतजाम करो। छुट्टन जी नमस्ते। अरे आप लोग फिर आ गए, बोला ना मैं आपको पोशाक नहीं दूंगा। छुट्टन जी, आप जितने पैसे मांगेंगे हम उतने पैसे देंगे, आप पोशाक दे दीजिए प्लीज। नहीं देंगे। देखिए हम उसके बदले में आपको दूसरा ड्रेस देते हैं ना। फिर भी नहीं देंगे। देखो हमारा दिमाग बहुत सन्नाया हुआ है। देखिए हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जवानी बीती जा रही है टिकट लगा के। देखिए देखिए, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज, हमारे पास एक सूट है, ये पेरिस में बनवाया, ये आप रख लीजिए और वो पोशाक हमको दे दीजिए। अगर आप सूट पहनकर बारात लेकर नहीं है तो हम ना पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे। आप ये जो सूट है मुझे दे देंगे? और नहीं तो क्या, अरे देने के लिए तो लाए, सरप्राइज देना होता तो कच्चा बनियान लेके आते ना। मैं आपकी पोशाक लेकर आता हूँ। हाँ, एक मिनट रुकिए। माफ कर दो, देखो अब बाद में हम पश्चाताप कर लेंगे, काहे टेंशन लेते। अद्भुत, ये रखिए आपकी। अरे वाह, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। देख लीजिए, ठीक है। क्या बात। अच्छा सुनिए, शादी के लिए शुभकामनाएं। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अरे बेटा तोताराम, देखो कोई नया सरप्राइज मिले उससे पहले निकल जी। चल। बिचौलीगंज की बिमला है हम, आखिर कर ही दी ना हमारी इज्जत खराब। नहीं नहीं, देखिए बिमला जी, हमने आपकी इज्जत खराब नहीं की है, हमने छुटन जी को नहीं बताया कि ये पोशाक पुरानी है। सही कह रहे हैं। देखिए दरअसल हुआ ये कि हमारी जो पोशाक है ये हमारी खानदानी पोशाक है, हम बरसों से हमारे खानदान में इसको पहनते आए। अब हमारा जो होगा देखा जाएगा बिमला जी,
लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी बहन का रिश्ता टूटे। आप ही हमारी खानदानी पोशाक रख लीजिए। बहुत ही भावुक इंसान हैं आप। आपने हमारी इज्जत रखी है, हम आपकी रखेंगे। ये लीजिए आपके खानदानी पोशाक। अरे लेकिन आप घबराइए मत, हम अपनी बहन से फोन करवा देंगे। और जाइए आप अपने खानदान की इज्जत बचाइए। थैंक यू विमला जी, बहुत मदद। चाचा जी उड़ ले तोते। विमला जी थैंक यू, बहन की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अरे कहाँ रह गए थे भाई तुम दोनों? अरे खानदानी पोशाक लेने गए थे। तोता उड़ गए तोते। बेटा उड़े नहीं, अब उड़ेंगे। क्या कर दिया? चाचा जी गलती से मुंह से निकल गए। अबे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? अरे भाई तुमने जो पोशाक खानदानी पोशाक बाके को दी है वो क्या थी और ये क्या है, जरा हमको बताया जाए। ये एक सरप्राइज है, है? हम बताते हैं बेटा। भैया आप एक काम कीजिए, एक थप्पड़ मार लीजिए। ये क्या नाटक है परमा, हमारी भज छूट जाएगी भाई। नहीं नहीं क्या है ना कि पहले थप्पड़ मार ले तो अच्छा है, क्योंकि बात सुनने के बाद ही हमें बहुत मारेंगे। परमा इससे पहले कि हमें गुस्सा आ जाए और तुम्हारे कुछ भी बताने से पहले हम तुम्हें बहुत मारें, जल्दी से फटाफट बताओ क्या बात क्या है। हम बताते क्या है। वो क्या हो ना पापा जी, बताइए। देख रही हैं आप, तिवारी खानदान की इज्जत से खिलवाड़। नहीं जरा हमारा फरसा लाइए, फरसा। भैया हम आते हैं। इधर आ। परशुराम क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या? उपाजी जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आज भगवान को परमा नाम का जो सरप्राइज है वो हम दे ही दें। नहीं बताइए, हम चूड़ियां नहीं तोड़ेंगे। क्या होगा रेडियो वीडियो का बताइए। बताइए। और आप भी शांत हो जाओ। एक बात ये तो देखो, आप पोशाक तो ही ले ही आए हैं ना। हाँ 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 बहुरिया ठीक कह रही हो, बहुरिया ठीक कह रही है परशुराम। बेटा इन लोगों ने भी तो देखो कितनी तकलीफ उठाई है। पापा जी फरसा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप हमें थप्पड़ मार लीजिए प्लीज। हाँ अरे बेवकूफो, जब कभी भी ऐसी कोई बात हो जाए तो हमें बता दिया करो भाई। अरे तुम्हारी मदद ही कर देंगे। ये भी और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम खानदानी पोशाक तो लाए। पर एक सरप्राइज है। अब क्या? अब वो क्या है कि ये पोशाक ड्राई क्लीन नहीं हो पाई। वहाँ के अंकल आप अगर कल शाम तक रुक जाएंगे तो हम इसे ड्राई क्लीन करके दे देंगे। नहीं नहीं एक और सरप्राइज है, हम कल शाम की बस का टिकट भी लाए। अरे हम करवा लेंगे ड्राई क्लीन। तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में रहे ना तो हम बेटे की शादी के बाद ही घर पहुंचेंगे। अरे अरे हंसने से एक किस्सा याद आया। जूनियर के ऑडिशन के लिए अब आप अपने बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं, या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशन 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशन 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशन 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशन 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर।